जनाब पथरी करके ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है कई बार। ज़िंदगी में कभी भी ऑपरेशन का नाम सुनने से डर लगता हो, लेकिन अगर पथरी हो जाए तो ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, ये पथरी देख रहे हो जनाब, ये पथरी और एक पथरी और है जिसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं आप, सामने रखी हुई है ना, ये सारी की सारी वो पथरियाँ हैं जिनके टुकड़े हो गए थे। दो तीन बार मेरे साथ ऐसा हुआ, जो नेचुरली निकली पथरी, अगर 6-7 mm तक की पथरी है आपको, 4-5-6-7 mm, आई बटन और रजिस्ट्रेशन में वीडियो दी है वो चेकआउट करना, वहाँ से आपको मदद मिलेगी। लेकिन 6-7 से बड़ी mm की है, 10-12-15-20 mm तक की, मेरे भाई ऑपरेशन वाली ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। मैंने ऑपरेशन कैसे कराया, कितना खर्च आया, क्यों करवाना पड़ा मेरे को, किस कंडीशन में करवाना पड़ा, ये सब आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एक घंटे दबा लो। हम यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे जीवन में ये एक पथरी वाला एक्सपीरियंस हुआ, मैंने सोचा आपके साथ साझा किया जाए, प्लेटफॉर्म है तो मदद भी की जाए। तो जनाब हुआ क्या, कब कैसे क्या हुआ, देखिए मेरे को बहुत सारे लोगों, मेरे को एक बार क्या हुआ, मैं कहीं से एक्सरसाइज करते टाइम या पंगा लेते टाइम कहीं से गिर पड़ा और मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस साइड में दर्द होने लग गया। कई बार ऐसा होता है पथरी हिल जाती है तो अंदर वो घाव कर देती है, एक छोटा सा मतलब कहीं पर छिलन हो जाती है गुर्दे के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर भी, और वो फिर दर्द करती है और उसका पेशाब के अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स भी देखने को मिल जाती है। तो मेरे को जब दर्द हुआ तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरा पथरी था 10-12 mm का कुछ ऐसा दिखाया गया, तो मैंने सोचा कि ये तो छोटा है। कई दोस्तों ने कहा अरे ये तो बहुत छोटा है मेरे भाई, ऐसे निकल जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं काफ़ी टाइम तक लगातार लोगों के बताए, कहा भी उस बाबा की दवाई ले लो, मैंने उस बाबा की दवाई ले ली, उस बाबा की दवाई ले लो, उस बाबा की, और मैं कह यार ये बाबा कर क्या रहे हैं, आखिर पंगा क्या कर रहे हैं। मैंने नेचुरल चीज़ें और ढूंढी, पानी ज़्यादा पियो और बहुत सारी चीज़ें मैंने ढूंढी। लास्ट में जा करके मेरे को बहुत तेज़ बुखार सा होने लग गया, बहुत ज़्यादा दर्द भी रहने लग गया बार बार। दर्द रहने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेनी पड़ी। फिर मैंने एक दिन इंटरनेट पे सर्च किया कि पेन किलर्स से क्या हो सकता है, तो मेरे भाई लीवर, गुर्दे, किडनी, मतलब किडनी और गुर्दे चलो एक ही चीज़ है, हार्ट बिल्कुल, ब्रेन, पता नहीं कुछ भी आपका डैमेज हो सकता है, लेकिन किडनीज आपकी स्पेशली डैमेज हो सकती है ज़्यादा पेन किलर्स लेने से। तो मैंने सोचा अब किया क्या जाए, तो मेरी फैमिली डॉक्टर से मेरी डिस्कस हुई, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ जब बुखार हुई तो उन्होंने ही ट्रीटमेंट किया, और उन्होंने कहा मेरे भाई ज़्यादा देसी दवाइयों को चक्करों में अपनी किडनी खराब मत कर लेना, ऑपरेशन करवा लो। 6-7 mm से ऊपर की पथरी अगर ज़्यादा तंग करती है तो मेरे भाई तुरंत ऑपरेशन करवा लो, क्या फ़ायदा होगा अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कुछ दवाइयाँ खाते रहे, कुछ देसी नुस्खे लेते रहे और लास्ट में जाके ऑपरेशन करा लिया, फ़ायदा कहाँ हुआ। हो सकता है आप अपना गुर्दा डैमेज भी कर लो। मेरे को भी मेरे जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसने कहा मेरे भाई पस, जिसको पस बोलते हैं, वो किडनी के अंदर होने लगी है, मेरे भाई गुर्दा खराब करके ही मानोगे क्या, करवा लो ऑपरेशन। तो मैंने तुरंत उसी दिन मैं डॉक्टर के पास गया था, वहाँ पर जाकर के मैंने तुरंत ऑपरेशन करवा लिया। तो खर्चे की बात करें तो देखिए जनाब, किस तरह का ऑपरेशन है, किस लोकेशन पे हो रहा है, कितने बड़े हॉस्पिटल में हो रहा है, किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, आपका जब वो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है खर्चे कितने बढ़ सकते हैं मेरे भाई। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ अच्छे ठीक नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर, छोटे सिटीज़ वाले या फिर मीडियम सिटीज़ वाले हॉस्पिटल के अंदर, बहुत छोटी सिटी के अंदर या बहुत छोटे हॉस्पिटल के अंदर भी मत करवाइएगा, 2-4-5-10 हज़ार रुपये की तरफ देख करके मेरे भाई, कई बार नुकसान भी हो सकता है। अगर इंसान इस दुनिया से चला जाए तो अच्छा नहीं होता। मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी मेरे नॉन ने या फिर नॉन के पापा ने, बच्चे के पापा ने ऑपरेशन जो वो एक छोटे से शहर से करवा लिया और ही इज़ नो मोर, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में हाँ, मेरा इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत ज़्यादा खर्चे वाले हॉस्पिटल में जाइए, चर्चित हो जहाँ पर नॉर्मली ऑपरेशंस होते रहते हो पथरी वगैरह के, आपने सुना हो कि यहाँ पर ये पथरी का स्पेशल डॉक्टर है ऑपरेशन करता है कुछ ऐसा।
तो वहाँ पर आपका खर्चा जो बात करें हम लोग तो 15,000 से लेकर के 20-25 हज़ार रुपये तक आ सकता है। आप किस तरह के वहाँ पर रूम में रहेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में वो एक दो दिन के लिए कई बार रख लेते हैं, एक दो दिन, 3 दिन, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान की कंडीशन तो एक जैसी नहीं हो सकती है ना। किसी की पथरी जब वो बिल्कुल नली में अटक गई हो तब एकदम से वो आया हो, या आपको उसका यूरिनरी ट्रैक्ट या पेनिस के एरिया में जब वो अटक गई हो, जहाँ अपना जो पेशाब नल है उसके आसपास, या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अटक गई हो, कहाँ पर अटक गई हो और वो ऑपरेशन के लिए एकदम से ज़्यादा, तो उसका शायद खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक डीजे स्टंट लगता है, अगर मान लीजिए किडनी का ऑपरेशन हुआ है, किडनी में डैमेज ज़्यादा था पथरी की वजह से, तो एक डीजे स्टंट होता है जो ऊपर की तरफ एक पाइप बनती है, नीचे पेशाब की थैली तक जब वो एक पाइप लग जाती है, वो डीजे स्टंट होता है, वो भी आपको महीने भर बाद वापस निकलवाना होता है वहाँ पर डॉक्टर के पास जाकर के। उसके भी 2,500 रुपये, 3,000 रुपये कई बार डॉक्टर्स ले लेते हैं, कई बार वो एक बंडल बना के, पैक बना के देते हैं कि आपका फ्री में उस टाइम निकाल देंगे। तो जनाब, ऑपरेशन वैसे तो कॉस्टली है किसी गरीब इंसान के लिए, लेकिन मोस्टली इतना कॉस्टली नहीं है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि इंसान की सेहत और इंसान की ज़रूरत ज़्यादा है हमारे को पैसों की बजाय। 15 से 20-25 हज़ार रुपये तक खर्चा आ सकता है, और इंसान ऑपरेशन बहुत आसान होता है, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं होता, मतलब डॉक्टर के लिए आसान नहीं होता है, हमारे लिए आसान होता है जिस बंदे ने ऑपरेशन करवाया है। क्योंकि पहले होता था कि पूरा चीरा जाता था और उसके बाद पथरी निकाली जाती है, अब वो जमाना गया, एक छोटी सी पाइप के जरिए छेद किया जाता है और अंदर जा करके कैमरे के साथ और वो पथरी निकालते हैं बाहर और निकाल देते हैं, कई बार लेजर के जरिए उसको तोड़ देते हैं, तोड़ करके भी निकाल देते हैं। वैसे कई सारे वाइड एरियाज़ हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैंने जो वो लेज़र वाला ही करवाया था, लेज़र से ब्रेक करके कुछ पथरियाँ निकाल दी थी, कुछ साबुत जो वो निकाल ली थी डॉक्टरों ने, और वहाँ पर वापस जो वो सील करके मेरी बॉडी को दे दिया था घर वालों को, लो भाई इसको संभालो। तो मैं एक दो दिन हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद हफ्ता भर मैंने थोड़ा सा शरीर को ज़्यादा तंग नहीं किया, हिला डुला कम हिसाब से चला, पानी गीला नहीं किया उस एरिया को जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, और हफ्ते 10 दिन बाद आई थिंक आई वॉज इन गुड कंडीशन, और उसके बाद मैं वापस धीरे धीरे काम पे जाना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे चल रही थी। तो ये था तरीका, ऑपरेशन में खर्चा कितना लगता है आपको पता चल गया, ऑपरेशन क्यों और कब करा लेना चाहिए, 6-7 mm से ऊपर की पथरी हो, दिक्कत कर रही हो, करवा लो, और ज़्यादा नेचुरल दवाइयों के चक्करों में मत पड़ना। अगर आपको सेहत में दिक्कत लगने लगती है मेरे भाई, करवा लो ऑपरेशन, ज़्यादा आप दवाइयाँ खाओगे हो सकता है कोई और बीमारी कर लोगे, और हमेशा के लिए ज़िंदगी के लिए लाले पड़ जाएंगे मेरे भाई। ऑपरेशन मैंने हॉस्पिटल बता दिया कैसे हो, अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, बस यही सब सा। बाकी काफ़ी सारी वीडियोस है हमारी पथरी के बारे में, आई बटन डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दबा लो, ताकि गजब की चीज़ें और मिलती रहें।